हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक रुपया डेफिनेट स्टेनलेस स्टील सिक्का में दिखाऊंगा। और यह सिक्का हमको 2002 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया सिक्का है। और यह सिक्का का वर्तमान मार्केट एस्टिमेट वैल्यू 6000 से 7000 तक रहता है। आप लोग थंबनेल देख के कॉमेंट्स मत कीजिए मेरे पास है बोल के। जरूर एक कॉमन सिक्का को ज़्यादा मार्केट एस्टिमेट वैल्यू है तो वो सिक्का का पीछे कुछ खास बात जरूर रहता है। वीडियो अंत तक देखने के बाद ही कॉमेंट्स कीजिए दया करके। और हमारा चैनल किससे सिक्का और करेंसी नोट्स खरीदता नहीं बेचता नहीं। अगर कोई हमारा चैनल नाम पे आपसे किसी माध्यम से भी कांटेक्ट करके आपसे आपका पर्सनल जानकारी या फिर आपका पैसा पूछा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। इतना कहने पर देने से आप ही जिम्मेदार है, याद रखिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, एक डेफिनेटो नॉर्मल नमूना मैं पहले से दिखा रहा हूँ। अपर साइड हम देखने से अशोका लाइन कैपिटल, नीचे सच्चे में जैसे राइट साइड इंडिया, लेफ्ट साइड भारत हमको ओमिट किया गया। ये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में 4.85 ग्राम्स वजन में और 25 मिलीमीटर्स का साइज में हमको मिंट किया गया। रिवर्स साइड हम देखने से रुपया हिंदी में मिंट किया, वन न्यूमेरिकल, दो साइड दो गेहूं का डंटल, हमको नीचे इंग्लिश में रूपी और उसका नीचे थोड़ा देखने से ईयर हमको साल 2002 और साल के नीचे कुछ भी मिंट मार्क नहीं। मतलब ये कोलकाता मिंट से जारी किया गया एक नॉर्मल सिक्का मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों हमेशा कुछ खास सिक्का देखने से पहले हमको नॉर्मल सिक्का का जानकारी हमको होना चाहिए, तब भी हमको सिक्का खास क्यों है, कैसा है, किस लिए, ये बात हमको समझ आता है। और हर सिक्का हमको स्पेसिफाइड मतलब प्रामाणिक साइज में कटा हुआ एम्प्टी प्लांचेट पे हमको अवर साइड डाई और रिवर्स साइड डाई दो डाइस लेके हमको मिंट करता है, तभी हमको प्रॉपर सिक्का हमको आता है। ध्यान से देखिए, मैं 2002 में सेम कोलकाता मिंट से जारी किया गया और एक सिक्का मैं दिखा रहा हूँ। ये सिक्का पहले मैं आप लोगों को रिवर्स साइड से दिखा रहा हूँ। रिवर्स साइड से देखने से हमको ये सिक्का एक नॉर्मल सिक्का जैसे हमको बिल्कुल नजर आ रहा है, पर इसका ग्रेड हम देखने से मिंट स्टेट में पड़ा है लगभग, तो बहुत अच्छा सिक्का है। हमेशा हमको अवर साइड से एक डाई, रिवर्स साइड से एक डाई लेके हमको मिंटिंग करता है। कभी कभी मिंटिंग करने के समय में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तब क्या होता है कि हमको एक ही टाइम में दो दो प्लांचेट फीड होता है। कभी कभी एक ही डाई मिंट होता है, स्ट्राइक होता है, दूसरा डाई का स्ट्राइक नहीं होता। ये सिक्का का रिवर्स साइड हम देखने से अवर साइड हमको अवर्स का डाई हमको नजर ही नहीं आ रहा है। और ध्यान से देखने से हमको रिवर्स साइड का डाई हमको मिरर इमेज जैसा हमको साफ नजर आ रहा है। ये देखिए, मैं रिवर्स साइड डाई दिखा रहा हूँ और सिक्का का अवर साइड देखने से हमको रिवर्स डाई हमको मिरर इमेज जैसा हमको नजर आ रहा है। ये सिक्का एक रिवर्स साइड लाखी एरर या फिर ब्रोकेज एरर कहता है। लाखी एरर्स अवर साइड आता है हमेशा, मतलब लाखी एरर्स आना है बहुत रेयर होता है, पर अवर साइड एरर ही ज़्यादा लोगों के पास रहता है, कलेक्टर्स के पास। रिवर्स साइड एरर बहुत रेयर है। किसी सिक्का में आपको रिवर्स साइड का लाखी एरर आपको मिला तो वो बहुत कीमती सिक्का होता है। ध्यान से देखिए, जैसा रिवर्स साइड डाई जैसा रहता है वैसे ही होता है, क्योंकि रिवर्स साइड डाई से हमको हाई इंप्रेशन दिया जाता है और अवर्स का डाई हमको बिल्कुल मिंटी नहीं होता, तभी हमको ये लाखी एरर होता है टेक्निकली बाहर आता है। और ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट अभी 6000 से 7000 तक रहता है। वीडियो का जानकारी और ये सिक्का आपको पसंद आया कि नहीं जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल का वीडियो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए।